तमाम मेरे गाड़ी फ्रेंड्स को वैगी सोम सिंह आदि में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अपने खूबसूरत से प्यारे से जो फ्रेग्रेंट जो फ्लावर्स हैं ट्यूब रोजेस के हवाले से है। अभी मिड ऑफ जुलाई में आपने मेरे ट्यूब रोजेस के फ्लावर्स की वीडियो देखी होगी। वो कहना वो तो ना सिर्फ ट्यूब रोजेस के फ्लावर की थी, बल्कि मेरे जो मिड ऑफ जुलाई में थोड़ा सा भी बीच में अपने रूफटॉप का ओवरव्यू भी था, जिसमें ना कि सिर्फ मैं ट्यूब रोजेस पे फ्लावर्स खिले हुए थे, बल्कि मेरे विनका पे है आगे रेनी जो रेन लिलीज के प्लांट्स हैं, जिसमें येलो रेन लिलीज था, व्हाइट लिलीज पे प्यारे से फूल खिलते नजर आ रहे थे। और अभी भी स्टिल मेरे गार्डन फ्रेंड्स मेरे रूफटॉप पे ना तो सिर्फ ये जो है बिनी बिनी सी इसकी फ्रेग्रेंस फैली हुई है अपने रूफटॉप पे है ये ट्यूब रोजेस की है, बल्कि साथ साथ जो पिंक है रेन लिलीज के फ्लावर्स भी खिलते नजर आ रहे हैं। आज की मेरी गार्डन फ्रेंड्स जो वीडियो है अपने ये ट्यूब रोजेस है कटिंग के हवाले से आएगी, एंड बेस्ट समर कटिंग ये प्लांट है। आज मैं चाह रहा था कि जहाँ मेरा रूफटॉप पे है ट्यूब रोजेस के, जो सुबह की वक्त भी और सुबह ये शाम के वक्त भी थोड़ा सा आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मौसम अच्छा थोड़ा सा तो हल्की की बिनी बिनी सी जो फ्रेग्रेंस फैली हुई है, क्यों ना मेरे लिविंग रूम में भी है इसकी जो ट्यूब रोजेस की है वहाँ भी इसको सेट किया जाए। आप वहाँ भी बिल्कुल किसी शीशे के ग्लास फेस में है आप लगा के वहाँ भी अपने जो लिविंग रूम को भी महकता जरा ट्यूब रोजेस से की फ्रेग्रेंस से है और की जो खूबसूरत प्यार से वाइट से फ्लावर से किया जाए। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आप जरा अभी ट्यूब रोजेस को जरा काटते हैं, आप देखें इतने मेरे ट्यूब रोजेस के स्टिक्स हैं और आज तकरीबन इन्हें खिले हुए हैं। तकरीबन मैंने बताया जैसे मिड जुलाई में पहली मेरी वीडियो आई थी जिसमें मैंने फ्लावर्स का ओवरव्यू दिया था, तकरीबन 20 दिन हो गए हुए हैं और नॉर्मली आपके ये फ्लावर्स हैं तकरीबन पूरा महीना खिला रहे हैं। अगर आप इसको पानी में भी लगाएंगे जैसे आज की जो वीडियो कटिंग के हवाले से है, तो वहाँ भी तकरीबन ये 10 से 15 दिन तक है ये फ्लावर्स खिलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ गुच्छों में फ्लावर होते हैं मेरे घाट पर ये यहाँ, और नीचे से भी फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं और ऊपर से ये जो बंद होती हैं यहाँ से आगे बाद में फ्लावर्स खिलना शुरू होते हैं। नीचे जो जब यहाँ धूप में फ्लावर्स ये सारे के सारे जैसे देखने हैं ये सारे ड्राई आउट हो जाते हैं और उसके बाद ऊपर से ये स्टिक्स हैं यहाँ से ये ऊपर टेल एंड तक है आपका पूरा ये मंथ है ये खिलते फ्लावर्स नजर आएंगे। तो वैसे काटते अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें यार, जहाँ इतनी स्टिक्स है तो वहाँ दो तीन चार स्टिक्स काट भी के नीचे अपने रूम को भी जरा खूबसूरत किया जाएगा, वहाँ डेकोरेशन भी हो जाएगी, जरा फ्रेग्रेंस भी हो जाएगी। तो आप काटते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये देखिएगा ये मैंने एक स्टिक ली है, सबसे पहले ये स्टिक है यहाँ से मैंने ये काटी है, ये देखें ये एक स्टिक ली है और यहाँ से मेरे गार्डन फ्रेंड्स यहाँ से मैं ये दूसरी स्टिक लूंगा, ये सेकेंड स्टिक ये ले ली है और ये थर्ड स्टिक यहाँ से मैंने मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये तीन मैंने गार्डन फ्रेंड्स अब ये स्टिक्स आपके सामने ली हैं, ये देखें ये ली है और अब हम जरा इन्हें नीचे क्या है कटिंग्स को नीचे लगाएंगे और नीचे कटिंग लगाने से नीचे पहले अपने लिविंग रूम को थोड़ा सा ऊपर रूफटॉप गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू के इसमें कौन कौन से मेरे रूफटॉप गार्डन पे फ्लावर्स खिलते नजर आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वक्त मैंने तीन पॉट्स लिए हुए हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये शीशे का पॉट है और इस पर खूबसूरत से इसमें प्यारे से ये फ्लावर डिज़ाइन किए हुए हैं, पेंटिंग इसमें हुई है और दो मेरे पास ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये सिरामिक के पॉट्स हैं, जैसे एक ही सिरामिक के पॉट है लिया हुआ है और ये सेकेंड ये सिरामिक का जो मैंने पॉट किया हुआ है। आपके घर में जिस तरह के छोटे मोटे पॉट्स होते हैं घर की डेकोरेशन में आप यूज करते हैं, आप इसको
मुख्तलिफ किस्म के कट फ्लावर्स में आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा फ्रेंड्स, चार स्टिक्स मेरे पास हैं, आप इन पॉट्स की साइज को देखते हुए हम स्टिक्स को साइज को कटिंग करेंगे। लाजमी बात है, जो कटिंग है मैंने जो काटी है दो दो फुट की है, तीन फुट की है, तो लाजमी बात है कि जैसे ये पॉट का साइज है या इसका इसके ऊपर का नोज है उसके मुताबिक है इसका इसके मुताबिक हम एडजस्ट करेंगे। अब जरा पहले तो हम इन जो है ये कटिंग स्टी होती हुई उसके इसके जो लीव्स को रिमूव करते हैं। जी मैंने कहा फ्रेंड्स, मैंने तमाम जो ये लीव्स के हैं नीचे से यहाँ से कट कर दिए हुए हैं। अब जस्ट हम इसके साइज के मुताबिक इसमें इंसर्ट करेंगे। जैसे इसमें मैंने शीशे की थे, इसमें मैंने वैसे ज्यादा क्या इसमें दो स्टिक्स मेरे रख देंगे, चार स्टिक्स मेरे पास हैं, ये दो है, ये मैं इसमें लगा देता हूँ। अब इसके मुताबिक इसके एडजस्टमेंट के मुताबिक है हम इसे इसकी जो कटिंग है वो हम कर लेंगे। जैसे मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, यहाँ से मैं इसे कट ऑफ कर देता हूँ, ये यहाँ से मैंने काट, और इसी तरह दूसरा है यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से नीचे से कट ऑफ कर देता हूँ, और फिर ये दोबारा ये क्वेश्चन पत्ते एडिशन काट दें। और दूसरा मेरे गाड़ी फ्रेंड ये मैं यहाँ इसमें मेरे पॉट में लगा दिए, इस्लामिक पॉट में, दूसरा आपका ये यहाँ पॉट में लगे।